सभापति महोदय, सारे प्रहसन किए गए, भाषाई मर्यादा को तार तार किया गया, एक पूरी कौम को घुसपैठिया पुकारा गया, मछली मंगल सूत्र भैंस से होते हुए मुजरा जैसे शब्दों से भाषणों को सजाया गया, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को तोड़ा गया, उनके सिंबल छीने गए, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो, विपक्ष के सबसे बड़े दल के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। उसके बाद मोदी सरकार चुनाव लड़ने के लिए जनता के दरबार में गई, लेकिन बाहरी जनता, जनता ने दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। जनता ने दिखा दिया इस देश की। This video presented by Peace Islamic International School Branch, Hagraga Road and Misbah Nagar, Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2024 admission started. Contact and visit school for more details. मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के भाषण पर चर्चा करने के लिए, अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ। सरकारी भाषण की मजबूरियाँ होती हैं, सरकार की तारीफ करनी पड़ती है, लेकिन जिस एक शब्द के इर्द गिर्द पूरा भाषण बुना गया था वो था अमृतकाल। सभापति महोदय, छात्र नौकरी मांगने पर लाठियां खा रहे हैं, 2 जून की रोटी मुहाल है, पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है सभापति महोदय कि देश के लिए ओलंपिक लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई उनसे पूछूं कि अमृतकाल आया है कि नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के हाथरस में जलाई गई उस दलित बिटिया जो बलात्कृत थी उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि मैं बिल्किस बानो से पूछूं कि देश में आया हुआ अमृतकाल तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि भीड़ के जरिए लिंच करके मारे गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की अंधी मां से पूछूं कि देश में आया अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि ईद के कपड़े खरीद कर लौट रहे 17 साल के हाफिज जुनैद से पूछूं जिसे बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है नजीब की मां से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि तबरेज अंसारी की विधवा से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि सहारनपुर के उन 3 बच्चों से पूछूं जिन्हें छत्तीसगढ़ में लिंच करके मार दिया गया। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि मैं गुजरात के चिखोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिए गए सलमान बोहरा के परिवार से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है कि मैं अलीगढ़ के औरंगजेब उर्फ फरीद से पूछूं जिसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उसी मृतक के ऊपर डकैती का मुकदमा कायम किया गया। सभापति महोदय, ये कैसा अमृतकाल है जिसके अभिभाषण में स्वास्थ्य पर सिर्फ आधे मिनट पर चर्चा हुई। कैंसर के मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक से हंसते खेलते बच्चे जान गंवा रहे हैं, कभी क्रिकेट के मैदान में कभी जिम में, और इस सरकार के पास स्वास्थ्य पर बात करने के लिए आधा मिनट है। सभापति महोदय, कोविड वैक्सीन को लेकर के लंदन की अदालत से जो तथ्य देश के सामने आए हैं उन्होंने भय फैला रखा है। कांग्रेस की सरकारों ने भी चेचक, पोलियो और प्लेग जैसी महामारियों के टीके लगवाए, लेकिन न तो कभी सर्टिफिकेट पर अपना फोटो छपवाया और न कभी उसके नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस की सरकारों ने यह किया है, लेकिन इन सरकारों ने क्या किया है, मोदी जी ने क्या किया है कि राजनीतिक दलों को तोड़ा और तोड़ करके चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद भी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है। सभापति महोदय, अंतिम 1 मिनट आपसे लूंगा, मुझसे बहुत सारे एक मिनट सर। You have made a speech, you know what you have did. अंत में सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन मुझे इस देश के प्रधानमंत्री जी से ये कहना है कि आप नारे लगाते थे सबका साथ सबका विकास, चुनाव के बाद
अंतिम बात सर की झूठी सच्ची अदाकारी अंतिम बात टाइम इज ओवर यू कांट फॉलो टाइम ऑल्सो टेक योर सीट नाउ श्री जोश के मनी नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड. This video presented by Peace Islamic International School Branch, Hagraga Road and Misbah Nagar, Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2024 admission started. Contact and visit school for more details.